what equation is perpendicular to y is equal to 5 over 2 x plus 12 and passes through 2, 5. हमें equation दी गई है y is equal to 5 by 2 x plus 12. अगर हम equation of line देखें तो वो होती है y is equal to mx plus c. इसमें से m slope है. आप ये देखें कि इस equation में 5 by 2 m की जगह पर मौजूद है और 12 c की जगह पर है. तो 5 by 2 इसकी slope है. यानी कि अब हमारे पास slope of this line is 5 by 2 है. अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर हो तो उसकी स्लोप होती है माइनस वन ओवर एम. यानी कि अगर किसी लाइन की स्लोप एम है तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन की जो स्लोप होगी, स्लोप इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एम. एक लाइन है जिसकी स्लोप है एम, जैसे कि ये लाइन है, इसकी स्लोप है एम, तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसकी स्लोप होगी माइनस वन ओवर एम. तो इसलिए जो रिक्वायर्ड लाइन होगी उसकी स्लोप होनी चाहिए, रिक्वायर्ड लाइन जो हमने बताना है जो इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप वो होगी माइनस टू ओवर फाइव. अब आप देखें कि ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जिसके अंदर स्लोप माइनस टू ओवर फाइव दी गई है. वो एक तो ऑप्शन बी है जिसमें माइनस टू ओवर फाइव है, फिर ऑप्शन सी है जिसमें माइनस टू ओवर फाइव है. ए ऑप्शन में स्लोप फाइव ओवर टू है जो कि हमारी रिक्वायर्ड लाइन नहीं हो सकती. डी ऑप्शन में प्लस में टू बाई फाइव है, ये भी हमारे रिक्वायर्ड आंसर नहीं हो सकता. इसी तरह ई के अंदर भी स्लोप माइनस टू ओवर फाइव नहीं है. अब बी और सी में से कोई एक आंसर है. अब हम इसकी इस इंटरसेप्ट को देखते हैं कि 27 बाई फाइव होगा या 29 बाई फाइव होगा. तो इसके लिए हम इस पॉइंट को यूज़ करते हैं. हम बी ऑप्शन में इस पॉइंट को डालकर देखते हैं. तो हम बी ऑप्शन है y इज इक्वल टू माइनस टू ओवर फाइव एक्स प्लस 27 बाई फाइव. अब इसमें ये पॉइंट टू फाइव डालकर देखें, y की जगह 5 और x की जगह 2, माइनस टू ओवर फाइव इन टू x की जगह पर 2 आ गया प्लस 27 बाई फाइव. ये इक्वल होता है 5 इज इक्वल टू माइनस फोर ओवर फाइव प्लस 27 ओवर फाइव. ये हो जाएगा माइनस फोर प्लस 27 इज इक्वल टू 23 ओवर फाइव. ये दोनों साइडें इक्वल नहीं हैं, इसलिए ये करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये 5 के इक्वल 23.55 आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है. फिर हम सी ऑप्शन को देखते हैं. इसमें है y की जगह हम लगाएंगे 5, x की जगह पर 2, तो ये होगा माइनस टू ओवर फाइव मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 29 बाय 5. ये हो गया माइनस फोर ओवर फाइव प्लस 29 बाय 5 इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस 29 बाय 5 इज इक्वल टू 25 ओवर 5 इज इक्वल टू 5. 5 इज इक्वल टू 5, इसलिए ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी.